दुनिया भर में कई जंगली पेड़ मानव जाति और अन्य प्राणियों के लिए घातक हैं। इन्हीं में से एक सुसाइड ट्री भी शामिल है। सेरबेरा ओडोलम प्रजाति की सुसाइड ट्री का फल या बीज खाने से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन अब इसका उपयोग कई बीमारियों से छुटकारा पाने में किया जा रहा है और इसका काफ़ी मेडिसिनल महत्व भी है। रांची स्थित वन उत्पादक संस्थान में अनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिमेश सिन्हा ने बताया कि सुसाइड ट्री मुख्य रूप से समुद्र के तटीय इलाके में अव्यवस्थित जंगलों में पाया जाता है। इस जंगली और विषाक्त पेड़ का उपयोग कैसे मानव जाति के कल्याण के लिए हो, इसे लेकर लगातार शोध और अनुसंधान चल रहे हैं। हाल के दिनों में इस पेड़ के फल का एंटी कैंसर एक्टिविटी, त्वचा रोग से निदान, कब्ज और अन्य एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ बनाने में सफलता मिली है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि श्रीलंका में उसका उपयोग दिया जलाने और मच्छर और अन्य कीटनाशकों को भगाने में किया जाता है। वहीं दुनिया भर के कई देशों ने सुसाइड ट्री से बायोडीजल बनाने की तकनीक भी तैयार कर ली है। बायोडीजल बनाने में इंडोनेशिया और ताइवान के वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। देश में भी इसका मेडिसिनल उपयोग को लेकर लगातार तमाम शोध और अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं, जिस कारण से ओडिशा के भीतरकनिका और सुंदरवन इलाके से सुसाइड ट्री के पौधों को यहाँ लाया गया है और इनके संरक्षण एवं मानव जाति के कल्याण में उपयोग को लेकर काम चल रहे हैं। वहीं सुंदरवन का अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में पड़ता है, वहाँ भी इसके फल से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वन उत्पादकता संस्थान में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी ए सरकार और डी बैनर्जी का कहना है कि समुद्री इलाके में अव्यवस्थित वन क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने से सेरबेरा ओडोलम प्रजाति के कई पौधों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इस कारण से अंडमान निकोबार समूह और ओडिशा समेत अन्य स्थानों से एक दर्जन से भी अधिक जंगली पेड़ पौधों की प्रजातियों को संस्थान में लाकर उनके संरक्षण और विकास को लेकर निरंतर शोध के काम किए जा रहे हैं। रांची स्थित वन उत्पादकता संस्थान में सेरबेरा ओडोलम प्रजाति की विभिन्न पौधे विकसित करने और नया पौध तैयार करने में सफलता मिली है। ये माना जा रहा है कि झारखंड की मिट्टी में भी इनके उपज के लिए उपयुक्त है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।